आने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी जैसे सभी संतों गुरु महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहां पर उपस्थित सभी माताएं बहने बुजुर्ग भाई सभी को सादर जय भीम पेश करता हूं। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, पर हमें सही दिशा और सही मार्ग की पहचान करना है। सम्मानित साथियों, हम लोग लखनऊ में थे तो हम लोग को सूचना मिली कि प्रतापगढ़ में पासी समाज के किसी शख्स की हत्या हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमको दुख है, तो दुख का कारण भी होगा। हम दुख का कारण बता रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जो सत्ता में रहेगा उसके बहन बेटियों के साथ में, उसके भाई के साथ में कभी भी अत्याचार नहीं होगा। हम इतिहास उठा करके देखें, क्या कभी अंग्रेजों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या कभी मुगलों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या कभी 15% के ऊपर अत्याचार हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सत्ता में है। और आज 85% के ऊपर क्यों अत्याचार होता है? क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और सत्ता में हम पहुंचेंगे कैसे? हम कैसे सत्ता में पहुंचेंगे? सम्मानित साथियों, अच्छा आप ये एक बात बताइए, क्या छाते में एक तीली हो तो क्या हम बरसात से बच सकते हैं? छाते में दो तीली हो तो क्या हम बरसात से बच सकते हैं? छाते में तीन तीली हो तो क्या हम बरसात से बच सकते हैं? जब तक कि छाते की सभी तीलियां एक साथ नहीं होंगी, तब तक हम बरसात से कदापि नहीं बच सकते। इसलिए सम्मानित साथियों, अगर पासी की लड़ाई सिर्फ पासी लड़ेगा तो क्या न्याय मिलेगा? चमार की लड़ाई अगर केवल चमार लड़ेगा तो क्या न्याय मिलेगा? कोहरी की लड़ाई केवल कोहरी लड़ेगा तो क्या न्याय मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। अगर पासी, चमार, धोबी, अहिर, धरिकार, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग अगर एक साथ एक मंच पर आकर अगर न्याय की मांग करें तो मैं कहता हूँ 101% न्याय मिलेगा। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने सिद्ध किया, चार चार बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री दिया। कैसे दिया? जब पूरा 85% पूरा बहुजन समाज एक मंच पे आया, तब जाकर हम सत्ता में आए। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब हम सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े बाहुबलियों को भी सीधा किया था, विश्वास ना हो तो राजा भैया से जाकर पूछ लेना। सम्मानित साथियों, मन संचालक महोदय ने समय का विशेष ध्यान देने के लिए कहा है, हम ज्यादा अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बीच में तमाम हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं। आपके बीच बोलने का मतलब है कि हम सूरज को रोशनी दिखाने का काम करेंगे। इसी के साथ ज्यादा अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेकर यही सब निवाड़ी को विराम करूंगा। जय भीम।